हेलो दोस्तों, मैं रहती हूँ अमेरिका की एक छोटी सी सिटी टल्सा के अंदर। तो आज की वीडियो में आपको बताना चाहती हूँ कि कोरोना वायरस के चलते हमारी सराउंडिंग्स में, जैसे कि हमारे अपार्टमेंट में, रोड्स पे, आसपास की जगहों पे सिचुएशन कैसी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे यूएस में लॉकडाउन 30 अप्रैल तक एक्सटेंड कर दिया गया है और लॉकडाउन के चलते सभी लोग इंडिया की तरह अपने घरों में कैद है। जैसे कि आप ये पार्किंग को देखिए एक बार, आज वीकडे है, आज वीकेंड नहीं है। वीकडेज पे यूजुअली सभी कारें, ये पार्किंग ऑलमोस्ट खाली होती है, पर आज ये पार्किंग फुल है, जिसका सीधा मतलब है कि लोग अपने घरों में कैद है, लोग बाहर नहीं जा रहे हैं। सभी रेस्टोरेंट्स, कैफेज, थिएटर्स इस वक्त बंद हैं। सिर्फ नेसेसरी आइटम्स के लिए घर से बाहर जाना अलाउड है इस वक्त। और अगर आप अननेसेसरी ट्रैवल कर रहे हैं बिना किसी वैलिड रीज़न के, एसेंशियल रीज़न के, तो कॉप्स आपको, यानी कि पुलिस आपको रोक के रीज़न पूछ सकती है और आपको टिकट तक चार्ज कर सकती है उसके लिए। गाइस, अब मैं आपको दिखाती हूँ अपार्टमेंट के नीचे का व्यू कि ये सोसाइटी इस वक्त, मेरा अपार्टमेंट इस वक्त कितना सुनसान है। तो गाइस, ये है मेरे अपार्टमेंट का डॉग पार्क, जिसके अंदर यूजुअली 3 से 4 डॉग्स हमेशा खेल रहे होते हैं और उनके ओनर्स यहाँ पे होते हैं, पर सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे एक भी डॉग नहीं है। स्विमिंग यहाँ पे लोगों का एक बहुत ही अच्छा टाइम पास कह लीजिए, एक्सरसाइज कह लीजिए। यहाँ पे बच्चे और यंग लोग काफ़ी स्विमिंग करते हैं। तो ये स्विमिंग पूल इस टाइम, लास्ट ईयर मुझे याद है कि इस टाइम पे बहुत चहल पहल यहाँ पे रहती थी, बहुत बच्चे यहाँ पे आते थे, बहुत रौनक रहती थी, पर इस टाइम ये पूल क्लोज्ड है और यहाँ पे कोई भी नहीं है, सिर्फ पानी का शोर है। अपार्टमेंट की बाकी एमिनिटीज़ की तरह जिम भी इस वक्त बंद है। जिम वहाँ जहाँ सब लोग एक्सरसाइज करने आते हैं, थोड़ा पसीना बहाने आते हैं, उसके बाहर क्लियर नोटिस लगाया हुआ है कि ये क्लोज्ड रहेगा जब तक अगला नोटिस नहीं आ जाता, और अंदर बिल्कुल खाली है। जहाँ ट्रेडमिल पे जगह नहीं मिलती थी, वेट करना पड़ता था कि हमारी बारी कब आएगी, वो इस टाइम बिल्कुल ही खाली है। ये है मेरे अपार्टमेंट का लीजिंग ऑफिस, जिसके बाहर नोटिस लगा हुआ है और जहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि दिस इज़ क्लोज टू पब्लिक, मतलब यहाँ पे अंदर जाना मना है इस वक्त। और यूजुअली क्या होता था कि जो पैकेजेस आते थे, कोरियर्स आते थे, वो लीजिंग ऑफिस वाले कलेक्ट कर लेते थे, पर अभी थोड़े टाइम पहले इनका नोटिस आया है कि अब ये कोई भी पैकेज कलेक्ट नहीं कर रहे हैं हमारे बिहाफ पे, और जो पैकेज पहले कलेक्ट हो चुके हैं उसको उठाने के लिए आपको लीजिंग ऑफिस के अंदर नहीं जाना है, उसके लिए पहले आपको उनको कॉल करना है। अंदर से एक बंदा बाहर आएगा, वो पैकेज आपका कार के पास रख देगा, आपको जाना है और वहाँ से अपना पैकेज उठाना है। तो इस तरीके से यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही है, जो कि बहुत ही एक अच्छा तरीका है। मैं कहूँगी अच्छा तरीका नहीं, इस वक्त यही एक तरीका है COVID-19 से फाइट करने का, और इसको यहाँ पे US में बहुत ही अच्छे से फॉलो किया जा रहा है। तो गाइज, ये थी मेरी एक कोशिश आपको ये दिखाने की कि मेरे अपार्टमेंट में कोरोना वायरस को लेकर कैसी सिचुएशंस हैं, लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे फॉलो किया जा रहा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमेशा मुस्कुराते रहें। और क्यों? बिकॉज यू आर ऑन कैमरा। टेक केयर गाइज़।